हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने YouTube का कस्टम URL कैसे चेंज कर सकते हैं। तो कस्टम URL चेंज करने की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़ती है जब हम अपने YouTube का नेम चेंज करते हैं तो उसके साथ हमें कस्टम URL भी चेंज करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम URL चेंज नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रीवियस नेम था उसी से हमारा YouTube सर्च होने लगेगा। तो हमारा नेम चेंज है तो हमारा URL भी दूसरा होना चाहिए नए नेम के साथ, तो उसके लिए हमें कस्टम URL की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम अपने सिस्टम पर चलते हैं और देखते हैं कैसे उसको हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने चैनल पर। ये मेरा चैनल है, आप यहाँ इस पर जाएंगे, योर चैनल पर क्लिक करके आप अपने चैनल पर पहुँचेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक लेआउट का है, इससे आप अपने चैनल का लेआउट चेंज कर सकते हैं जो कि विजिटर को दिखेगा। एक ब्रांडिंग का है जो कि आपकी वीडियोस पे दिखता है। एंड थर्ड है बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो जो भी चेंजेस करेंगे हम अपनी बेसिक इन्फो में चेंजेस करेंगे। तो मैं बेसिक इन्फो पर गया। बेसिक इन्फो पर जाने के बाद देखिए नीचे कस्टम URL, जो कि पहले से मैंने कस्टम URL बनाया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, इस URL को हमें डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट पर क्लिक करेंगे आप गूगल अकाउंट पर शिफ्ट हो जाएंगे। आप अपने गूगल अकाउंट में नीचे आएंगे और देखिए अबाउट में यूट्यूब URL लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। एंड इसको क्लिक करने के बाद आप इसको रिमूव कर देंगे। ये हमने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब हमको वापस अपने चैनल पर जाना है। ये देखिए यहाँ से रिमूव हो गया। और रिमूव होने के बाद अब हमको वापस अपने चैनल पर जाना है और उसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हम रिफ्रेश करेंगे उसको, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर वो शो नहीं होगा। इसके बाद अभी देख सकते हैं हम ऐड लिंक, इसमें नीचे URL पर जाएंगे तो सेट कस्टम URL का ऑप्शन जो है विजिबल हो गया है, जो कि पहले नहीं था। अभी कुछ कस्टम URL ऑलरेडी YouTube आपके नेम जो चैनल नेम है उससे बना के दे देगा, बाकी आप खुद भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारे मेरे कस्टम नेम्स शो कर रहा है और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। तो आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं या खुद अपना दूसरा आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं इसी को सेलेक्ट करता हूं और इसको सेव कर दूंगा। तो इसको सेव करने के बाद यस मैं कंफर्म कर दूँ करेंगे तो ये हमको वार्निंग दे रहा है और हमको कंफर्म कर देना है। इसके बाद हमारा कस्टम URL क्रिएट हो गया। अब इस URL से आप कहीं पर भी सर्च करेंगे आपके यूट्यूब को, चैनल को, तो वो सर्च होगा। तो देखिए इस तरीके से ये सर्च हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपना कस्टम URL चेंज कर सकते हैं।